हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवाय किचन में। आज इस शिवाय किचन में बनने वाला है टोमेटो सूप। विंटर की सीजन चल रही है और टोमेटो सूप ना बनाए ऐसा कभी हो सकता है। बहुत हेल्दी है, इजी है और बहुत टेस्टी भी है। तो इस रेसिपी को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर का कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। तो चलो हम टोमेटो सूप बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। टोमेटो सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर कुकर को रख लिया है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ऑयल डाल देती हूँ और 1.5 टेबल स्पून में इसके अंदर डाल देती हूँ बटर। तो ये बटर गरम हो चुका है, अभी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ बेलिस। ये ऐसे मैंने 2 डाले हुए हैं। अभी 1 मीडियम साइज की प्याज ले ली है तो इस तरह से मैंने काट ली है, तो 1 मीडियम प्याज इसके अंदर डाल देंगे कटी हुई। मैंने 1 मीडियम साइज का बीटरूट ले लिया है तो इसके अंदर मीडियम साइज का बीटरूट डाल देंगे। अभी मैं इसके अंदर 5 लहसुन की कलियां डाल देती हूँ और यहाँ पे मैंने 1/2 गाजर ले लिया है तो वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बीटरूट डालने से टोमेटो जो सूप है उसके अंदर बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है, नेचुरल कलर आता है। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। गैस को मैंने स्लो ही रखा है। मैंने यहाँ पे 4 बड़े टमाटर ले लिए हैं, इस तरह से मैंने इसे काट लिए हैं तो 4 बड़े टमाटर ले लिए हैं। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ पानी। तो पानी का प्रपोर्शन है मैं 3/4 कप जितना रख रही हूँ। तो यहाँ पे अभी कुकर का ढक्कन बंद कर लेती हूँ मैं और हम 5 व्हिसल लगा लेंगे। अब मैं बना लेती हूँ क्रूटॉन्स। तो क्रूटॉन्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन ले ली है और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पे बटर लिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आप बटर भी ले सकते हो लेकिन अकेला बटर जल जाता है, इसकी वजह से थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर दीजिए। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ओरिगानो लिया है, दोनों को मिक्स कर लिया है। ऑप्शनल है लेकिन इससे भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और अभी फ्लेम को मैंने स्लो रखा है। अभी मैं ब्रेड की स्लाइस रख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 ब्रेड लिए हैं और इस तरह से मैंने इसके स्क्वायर कर लिए हैं तो एक एक करके सारी ब्रेड हम रख लेंगे। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो लेकिन वो ज्यादा ऑयली हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। अभी 2 मिनट हो चुकी है, मैं अभी इसको पलट लेती हूँ। तो इसी तरह हम इसे पलटते हैं तो आप देख सकते हो कि इस तरह से एक साइड हमारा पक चुका है और इस तरह से हम इसे चलाएंगे ताकि वो नीचे से जले ना। तो अभी ये हमारे क्रूटॉन्स दोनों साइड से हो गए हैं। अभी मैं गैस को बंद कर लेती हूँ और हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। अभी ये कुकर भी ठंडा हो चुका है और मैंने अभी इसे खोल लिया है और मैं इसे अभी मैशर की मदद से इस तरह से इसे मैश कर लेती हूँ। इस सारे टमाटर को मैश कर लेंगे हम। अभी मैं इसे छन्नी से छान लेती हूँ। इस प्रकार से एक पतीले के ऊपर हम छन्नी को रख लेंगे और ये जो टोमेटो का प्यूरी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तेज पत्ता है, बे लीव्स है, इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। अभी मैंने अच्छे से इसे छान लिया है और ये जो एक्सेस पोर्शन है उसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमारी प्यूरी बन के तैयार है। अभी हम फाइनल सूप बना लेते हैं। अभी हम फाइनली सूप बनाने के लिए इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून ऑयल, 1.5 टेबल स्पून बटर है। ये टोमेटो सूप बटर के बिना अधूरा है। तो गैस की फ्लेम को भी स्लो ही रखेंगे। अभी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ हमने जो प्यूरी बनाई वो धीरे धीरे डालेंगे, नहीं वरना ये आप यहाँ पे देख सकते हो इसका नेचुरल कलर ही रेड आया हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे बीटरूट यूज किया हुआ है। अभी मैं इसके अंदर 1/2 कप जितना पानी डाल देती हूँ। पानी का प्रपोर्शन है वो आप कम ज्यादा कर सकते हो, जिस तरह से आपको कंसिस्टेंसी रखनी है इस हिसाब से आप इसके अंदर पानी को ऐड कर दीजिए। अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक, नमक स्वाद के हिसाब से। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 टेबल स्पून शुगर है, चीनी है, 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप लिया हुआ है। अभी मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, काली मिर्च का पाउडर है।
और अभी इसे थोड़ी देर हम उबलने देंगे। अगर आपको कम रेड कलर पसंद है तो आप यहाँ पे बीटरूट का प्रपोर्शन कम कर सकते हो, या फिर आप बीटरूट को स्किप भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा हमारा ये बढ़िया सा रेड कलर आया हुआ है। अभी हम इसके अंदर एक लास्ट इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, और वो है मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, जो कॉर्नस्टार्च आता है वो, और उसके अंदर मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया है, और इसकी मैंने स्लरी बना ली है। तो इस स्लरी को मैं अभी इसके अंदर डाल देती हूँ। ये कॉर्नस्टार्च इसके अंदर डालने से ये जो सूप है इसके अंदर बहुत ही अच्छी थिकनेस आ जाती है, और उसे 2-3 मिनट तक पकने देते हैं ताकि जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है वो अच्छे से इसके अंदर घुल जाए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी ये हमारा सूप है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, पक चुका है। गैस को बंद कर लेती हूँ और इसे मैं गर्मा गर्म सर्व कर लेती हूँ। तो कितना बढ़िया सा इसका कलर भी आया है और टेस्टी भी बना हुआ है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं बटर क्यूब, और हमने जो क्रूटॉन्स बनाए थे वो इसके ऊपर मैं अभी रख लेती हूँ। तो बना है ना बढ़िया सा हमारा ये टोमेटो सूप। तो आप इस सूप को घर पे ज़रूर बनाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।